साथ ही आज के इस कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़े सभी प्रजातीय सम्मान्य बंधुओं, बहनों, माताओं सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम, वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत। आज के जो टॉपिक है मोटिवेशनल पर चाहूंगा, तो पहले ही मैं आप लोगों के समक्ष एक वाक्य रखा हुआ था कि आज हम देख रहे हैं हमारे इस मीटिंग को संख्या बहुत कम है, उसको देखते हुए लगता है कि हमारे पुराने आदरणीय सभी जिलाध्यक्ष किसी न किसी कार्य में फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से आज की मीटिंग में अटेंड नहीं किए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सभी के सभी नहीं फंसे होंगे, कुछ न कुछ फुर्सत से होंगे, उनको सभी को जुड़ना चाहिए। आज बहुत ही अहम मुद्दों पर चर्चा करना था, कई लोग बहाना करते हैं कि मुझे समय नहीं है, काम से फुर्सत नहीं मिलता, बहुत थका रहता हूँ। लेकिन इस समाज के लिए, इस समाज संगठन के लिए हर इंसान के पास समय होना चाहिए, क्योंकि जिस समाज में हम पैदा हमारा उस समाज से पूरे पदार्थ है, हमारा जीवन काल पूरा उस समाज से जुड़ा हुआ है। आज हम अपनों तक सीमित हैं, जिस समाज को हम सर्वस्व मानते हैं उस समाज के लिए एक घंटा आधे घंटा समय नहीं निकाल सकते, ये बड़ी दुख की बात है। सभी सम्माननीय साथी जानते हैं कि हमारा समाज बहुत ही पिछड़ा हुआ है, और राष्ट्रीय लौह प्रगला कगरिया समाज महासंगठन भारत कुछ उस पिछले हुए जिस जिस क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है, वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या रीति रिवाज के क्षेत्र में हो, जितने भी हमारे समाज में पिछड़ने के कारण है, वो सबको दूर करने के लिए आज यह संगठन संपूर्ण भारत के अगरिया समाज को एक करने, एक साथ संगठन में लेने का ये निर्णय लिया है, ताकि जितनी समस्या है वो सबका सभी समस्याओं का निदान हमारे सम्माननीय साथियों, अच्छे अच्छे अनुभवी आदरणीयों के विचार से उस समस्याओं का निदान किया जा सके। हमने आज इस दौर पर सभी आदरणीयों को पूरे भारत के स्वजाति बंधुओं को अनुरोध करते हैं कि वे इस संगठन से जुड़ें और हमें मोटिवेशन करें, ताकि हम उनसे प्रेरणा लेकर के इस संगठन को अच्छे से अच्छे मुकाम तक पहुंचा सकें। यही हमारा निवेदन रहता है, और प्रत्येक शनिवार को हम सभी लोगों को जुड़ने के लिए आग्रह करते हैं, अनुरोध करते हैं, निवेदन करते हैं, ताकि हमें अच्छे से अच्छे मोटिवेशन से मिल सके और समाज के इस गतिविधियों में अच्छे से मोटिवेशन को लेकर के इस समाज को आगे बढ़ा सके। लेकिन कुछ दुख की बात है कि लोग समय नहीं निकाल पाते, बहुत ही व्यस्तता की वजह से, काम की वजह से, लेकिन उनको समय निकालना चाहिए।
समाज के लिए बहुत जरूरी है समय निकालना। हम इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा पर बहुत ही फोकस करना है, क्योंकि हमने देखा है कि आज तक जिसने भी विकास किया है, अपने समाज का विकास किया है, अपने परिवार का विकास किया है, अपनों का विकास किया हुआ है, तो शिक्षा के बगैर वो आगे नहीं बढ़ पाया है। हम देखते हैं कि बहुत पढ़े लिखे लोग रहते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, बहुत बड़े बड़े प्रतिनिधि भी होते हैं, लेकिन कभी हम देखते हैं कि वो अपने जीवन की जो जीवन शैली है, जीवन जीने की जो कला है, उसको सीख नहीं पाते, तो एक अनपढ़ के समान है वो मेरे विचार से। कभी सुनने को मिलता है कि डॉक्टर ने फांसी लगाकर या फिर पायन खाकर अपने इहलीला समाप्त कर दिया, तो लगता है कि वो अपने जीवन जीने की शैली बिल्कुल नहीं था उसको, वो एक अनपढ़ के समान था, उसमें शिक्षित होने की भावना या उसमें कोई शिक्षा नहीं था। तो हम देखते हैं कि शिक्षित होना ये नहीं कि वो अपने जीवन के प्रत्येक शैली को ना समझे। सभी लोग पूरे अपने जीवन की शैली को नहीं समझ पाते, फिर भी एक दूसरे से सीखते हैं, हम एक दूसरे से पूरक हैं। हम एक छोटे से बच्चों से सीखते हैं, जानवरों से सीखते हैं, पेड़ पर्वतों से सीखते हैं, चींटी से सीखते हैं, हर चीज से सीखते हैं। और ये तो महासंगठन है, इसमें बड़े बड़े आदरणीय लोग जुड़े होते हैं, उनका विचार बहुत ही अमूल्य रहता है। कम से कम बोले ना तो कम से कम बैठ कर सुने, इससे हमारा जीवन पूरा परिवर्तन हो जाएगा। आज हम जहाँ पर बैठे हैं, आप लोगों के समक्ष बैठे हैं, तो सिर्फ पूरे सम्मानी आप लोगों के विचारों के वजह से, उसको सीख करके हमने ये बात करना सीखा है। नहीं तो हम डरते थे लोगों के सामने में जाना, शरीर जो कंपन लेता था, लेकिन जब हम प्रतिदिन बैठते थे, बैठ करके सुनते थे, तब कुछ बात करना आ गया। आप लोग इस बात को सोचिए कि जो सुनता है वही ज्ञान प्राप्त करता है, और जो बोलता है सिर्फ अपने ज्ञान को प्रसारण करता है, लेकिन जो सुनने वाला है, अच्छे श्रोता है, वह एक दिन वक्ता बनता है, और वक्ता से प्रवक्ता बनता है, और प्रवक्ता से अधिवक्ता बन जाता है। लेकिन जब सुनता है तब लोग कहते हैं कि नहीं, मेरे भाग्य में नहीं है। मैं कहता हूँ अभागा वही है जो अपने मूल उद्देश्य, मूल कार्य छोड़ करके भागा है, वही अभागा कहलाता है। इसलिए हम अपने मूल लक्ष्य को ना छोड़ें, हमारे इस संगठन के कार्य को ना छोड़ें। आज हम इस संगठन के कार्य को, गतिविधियों को, सारे उद्देश्यों को यदि हम नहीं कर पाएंगे, आज नहीं, अभी नहीं, तो कभी नहीं कर पाएंगे। इस विचार को ध्यान में रखते हुए मेरा सभी से निवेदन है कि समय को ना खोते हुए, एक बार समय निकल गया तो दोबारा नहीं आता, चाहे कितनों कीमत लगा दें। धन खो गया तो कमा लेंगे, शरीर कुछ डैमेज हो गया तो हम इलाज करवा लेंगे, लेकिन समय निकल गया तो उसको हम भरपाई नहीं कर सकते। इसलिए मेरा निवेदन है कि समय को ना खोते हुए इस संगठन को आगे बढ़ाने के लिए, एक दूसरे को मोटिवेशन करते हुए, सभी को जोड़ते हुए, और प्रतिदिन चर्चा करते हुए इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए, इस संगठन को आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों को बिल्कुल निवेदन है कि आप लोग प्रयास करें, प्रतिदिन किसी न किसी से चर्चा करें। हम प्रतिदिन या कभी कभार हफ्ते में कम से कम 3 दिन किसी न किसी जिले वालों से चर्चा करते ही, हम चर्चा यदि नहीं करते हैं
तो हमें लगता है कि 15 दिन महीना दिन तक हम लोग एक दूसरे से चर्चा नहीं किए, ऐसा अपने मन में लगता है। इसलिए हम चाहे वो सीधी जिला हो, चाहे अनूपपुर हो, या कबीरधाम हो, या रायगढ़ हो, या सरगुजा, किसी न किसी जिले से बिल्कुल चर्चा करते रहते हैं ताकि हमारे समाज में कुछ ऊर्जा भरते रहे। इसी प्रकार कम से कम सभी लोग, दो चार लोगों से ही यदि चर्चा करें तो भी हमारा ये संगठन जिस गति से आज चल रहा है उससे तेज हो जाएगा, इसकी गति जो है बढ़ जाएगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप लोग बिल्कुल चर्चा करना न छोड़िएगा, क्योंकि हम देखते हैं कि आज इस संगठन में अभी के जो अनुपस्थिति या कम संख्या को देखते हुए लगता है कि इसमें एकता का अभाव महसूस होता है। आप लोग सब जानते हैं एकता में इतनी ताकत है, जितना एक इंसान चाहे कितनों धनवान हो, कितनों ही बलवान हो, फिर भी उसमें वो क्षमता नहीं है जो लाचार लोगों की एक संगठन में है। इसलिए सभी से मेरा निवेदन है कि इस संगठन को आगे बढ़ाने के लिए एकता, ऊंच नीच भेदभाव न करते हुए सभी को जोड़ने का प्रयास करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कई लोग कहते हैं कि हम इस संगठन में कोई प्रतिनिधि नहीं है, हम किसी पद पे नहीं हैं, हम काम नहीं करेंगे, ऐसा भी किसी किसी का सोच रहता है। मेरा निवेदन है कि व्यक्तिगत पहचान बनाने के लिए कुछ करना पड़ता है, कुछ त्याग करना पड़ता है। यदि हम अपना व्यक्तिगत पहचान बनाएं तो ये संगठन क्या पूरे देश, क्या पूरे विदेश में भी अपना पहचान बनेगा। आज देखिए हमारे इस जाति के बारे से हमारे कोरबा जिला के एक शिशु मंदिर में पढ़ने वाले छात्र ने शोध करना शुरू किया और आज दीपक, डॉक्टर दीपक द्विवेदी जी हैं, वो हमारे हाई स्कूल के व्याख्याता हैं, उनके भतीजे हैं। तो उन्होंने शोध करना शुरू किया, आज दुनिया में उनका नाम पूरा विख्यात है, उनका व्यक्तिगत पहचान यही है। इस तरीके से यदि हम चाहें, पूरा संगठन चाहेगा, सब मिलकर चाहेंगे तो हमारे समाज का नाम पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में सब लोग जानना शुरू कर देंगे। यदि यहाँ से हम पीछे हट जाएंगे, एक हो जाते हैं, उस स्थिति में हमारे समाज के लोग न तो हमारे रीति रिवाज रस्म को जानेंगे, ना ही हमारे देवी देवता को जानेंगे, ना ही हमारी जाति को जानेंगे। इसके विपरीत वो लोग हमारी जाति को छुपाने का प्रयास करेंगे, अलग अलग नामों से अपने नाम के सामने जोड़ना शुरू कर देंगे और यहीं से हमारा समाज विलुप्त तो हो जाएगा। बहुत जगह, कई जिलों में हम देखते हैं कि हमारे समाज के लोग जिनको हमारे जाति के रीति रिवाज रस्म, संस्कृति कल्चर के बारे में पता नहीं, वो लोग बिल्कुल अपने इस समाज को छोड़कर, हमारे अगरिया समाज को छोड़कर दूसरी धर्म अपना रहे हैं। क्यों? उनको पता नहीं। आप लोग भी थोड़ा केयर करेंगे इस बात को कि हमारे बच्चों को भी ये सब पता नहीं रहता। इसलिए मेरा निवेदन है कि सभी लोगों से कि अपने परिवार के सभी लोगों को अपने कल्चर संस्कृति के बारे से बतलाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए यहाँ पर ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अपना वाणी यहीं पर विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय लोहा सिंह।